हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का लेक्चर जो है मेरा बेसिकली जो है एनवायरमेंटल साइंस से ही रिलेटेड है, और जो आज का टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट जो है या बोल सकते हो कि पर्यावरण के घटक। दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको जो है इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो कोशिश करूँगा कि हिंदी के वर्ड्स भी उनको यूज़ करूँ जिससे कि उनको हेल्प मिल जाए। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डिस्कस किए थे एनवायरनमेंट के बारे में, मतलब बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, और एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है, ये डिफरेंट थिंग्स जो हम लोग डिस्कस किए थे। दोस्तों, यदि आप चूंकि हमारे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप चाहें तो बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट पहले देख लें, देन आपको ये जो है काफ़ी ईजिली जो है आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, आज का लेक्चर जो है हम लोग शुरू करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, और दूसरी बात ये कि पूरे लेक्चर के दौरान दोस्तों आप जो है बने रहें और हर एक पॉइंट को ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने पूरा कोशिश किया है कि हर एक पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और उन सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ और हर पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने। दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, मतलब पर्यावरण के घटक। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि घटक मीन्स क्या होता है, मतलब बोल सकते हो कि जिससे कोई भी चीज़ जो है किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है। जैसे यदि हम बात करें कि अपने बॉडी की ही बात करें, तो जैसे बोला जाता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश से मिलकर बना हुआ है, वैसे ही आप यदि बात करो कि ये एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट के घटक क्या हैं या किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये जो है बेसिकली इसके चार घटक हैं, चार कंपोनेंट हैं जिससे ये मिलकर एनवायरमेंट जो है बना हुआ है। ये चार घटक कौन कौन से हैं? तो पहला जो है एटमॉस्फियर, जिसको जो है वायुमंडल बोलते हैं। दूसरा जो है हाइड्रोस्फीयर, या इसको जो है जलमंडल बोलते हैं। तीसरा जो है लिथोस्फीयर, या इसी को जो है स्थलमंडल जो है हिंदी में बोलते हैं। एंड फोर्थ वन इज द बायोस्फीयर, और इसको जो है जैवमंडल बोलते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में कि आखिर ये वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल है क्या। तो पहला जो है एटमॉस्फेयर की यदि बात करें हम लोग, तो मतलब एटमॉस्फेयर को यदि हिंदी में हम देखें तो वायुमंडल, मतलब वायु मतलब आप समझ रहे हो एयर, एंड मंडल मीन्स क्या, कवर, मतलब एयर का कवर, कहाँ, मतलब अर्थ के चारों तरफ। तो अर्थ के चारों तरफ जो वायु का कवर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वायुमंडल। ठीक है, यदि इंग्लिश में इसको डिफाइन करना चाहें, द गैसियस मेंटल कवरिंग अराउंड द अर्थ सर्फेस आर इज कॉल्ड द एटमोस्फियर। तो एटमॉस्फियर को जो है ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है दूसरी बात आती है कि आखिर ये एटमॉस्फियर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी कॉस्मिक रेज होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है रेडिएशंस होती हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं ये जो एटमॉस्फियर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये देखा जाए तो हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यदि ये रेडिएशन आती तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है ये हार्मफुल हो सकते हैं। तो अब जो है बात आती है थर्ड जो पॉइंट है कि एटमॉस्फियर और क्या करता है, ये यूवी रेडिएशंस को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, उससे हमें क्या फ़ायदा। जैसे दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में आप लोगों को बताया था, उसमें आप देख सकते हो कि ओजोन लेयर जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर ओजोन लेयर जो है इन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है जो कि अर्थ पे नहीं आने देती है, और यूवी रेडिएशंस के कारण जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस कॉज होती है, जैसे आई कैटरेक्ट या फिर आपका जो है स्किन कैंसर, और ऐसे तमाम चीज़ें मैंने जो है उस लेक्चर में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप उस लेक्चर को चाहें तो देख सकते हैं डिटेल में, यदि जानना हो आपको। तो ये तो बात हो गई कि यूवी रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती हैं, और बाकी जो है ट्रांसमिट किसको करती हैं, तो विजिबल और विजिबल इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन का जो रेंज है वो कितना, 300 नैनोमीटर से 2500 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है। ठीक है, और रेडियो वेव्स जो है मतलब 0.14 से 40 के रेंज की जो मतलब वेव्स हैं, इनको ये क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती है, कौन, एटमॉस्फेयर जो है।
देन नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो है कि और ये क्यों इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर, तो हीट बैलेंस को जो है मतलब हीट बैलेंस में ये मदद करता है। किसके हीट बैलेंस में, मतलब अर्थ के जो है ओवरऑल जो है जो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस रहता है, किसके कारण, एटमॉस्फेयर कारण। वो कैसे, आप देखते हैं जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखा कि जैसे कि एटमॉस्फेयर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है सेकेंड जो लेयर होती है जो कि 15 टू 50 किलोमीटर या 15 से 50 किलोमीटर तक ये फैली हुई जो लेयर स्ट्रेटोस्फीयर है वो क्या करती है, यूवी रेज को जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। इस वजह से वहाँ पे क्या है, उस लेयर की टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहती है। और बाकी जो कुछ रेडिएशंस और जो रेडिएशंस हैं उनको क्या करता है, ये अर्थ पे आती हैं, अर्थ जो है एब्जॉर्ब करता है देन रीइमिट करता है। और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं पूरे ओवरऑल यदि बात करें हम लोग अर्थ की जो हीट की जो है तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर जो है हीट बैलेंस में काफ़ी हेल्प करता है। तो दोस्तों कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, तो उसमें शायद ऑप्शन दे सकता है हीट बैलेंस और बाकी जो है तीन ऑप्शन कुछ और दे सकते हैं, तो उसमें उस केस में आपका हीट बैलेंस कहीं ना कहीं आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया एटमॉस्फेयर के बारे में। देन अब हम लोग बात करें हाइड्रोस्फीयर या फिर जलमंडल। मतलब जलमंडल क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ऊपर आपने देखा कि वायुमंडल, वायु मतलब क्या, मतलब जिसे उसमें मैंने बताया कि मतलब वायु की कवर, वैसे ही जो है जलमंडल का मतलब क्या कि जल का कवर। ठीक है, मतलब अर्थ के अराउंड, मतलब अर्थ के अराउंड जो क्या है, जल का जो मंडल है या कवर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जलमंडल। तो ऐसा कितना पोर्शन जो है जल है अर्थ के, यदि ओवरऑल अर्थ की बात करें हम लोग तो जलमंडल जो है पृथ्वी के दो तिहाई हिस्से को कवर करता है। ठीक है, और वो कौन कौन से मतलब जो है रिसोर्सेस हैं, जो वाटर रिसोर्सेस हैं, जैसे आप बात करो कि वो ये जो है किस किस फॉर्म में, मतलब ये वाटर रिसोर्सेस हैं बेसिकली जो है ओशियंस जैसे हैं, मतलब ओशियंस एंड सी मतलब समुद्र जो हैं, बाकी रिवर्स नदी जो हैं, देन लेक्स झील, ग्लेशियर्स मतलब ग्लेशियर्स मतलब का क्या जो है, जैसे पोलर रीजन में आप देखते हो कि जो बर्फ है या फिर होता है, या फिर हिमालय रीजन पे जो बर्फ होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लेशियर्स। एंड ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर क्या है, भूमिगत जल, मतलब कि जो अर्थ के नीचे जो जल है जिसको हम लोग पीते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा वाटर कितना बहुत कम परसेंट होता है। ठीक है, मोर देन 97% आप देखते हो कि ओशियन में जो है वाटर है जो कि हमारे यूज के लिए नहीं है, मतलब वो देखा है तो वो सॉल्टी वाटर है, तो कहीं ना कहीं हमारे यूज का नहीं है। तो मतलब आप यदि हाइड्रोस्फीयर की बात करो तो ये इन फॉर्म में, इन मतलब डिफरेंट डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज के फॉर्म में ये जो पाए जाते हैं। और यदि हम जलमंडल के इम्पोर्टेंस की बात करें तो आपको पता है कि जलमंडल भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कि उसमें जो है तमाम जो है माइक्रोब्स, तमाम माइक्रोब्स या बोल सकते हो कि तमाम जीव उसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें वाटर में भी इकोसिस्टम होता है, जैसे आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखते हैं वैसे ही जो है कहीं ना कहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम भी होते हैं। तो यदि बात करें हम एक फूड, सिंपल से फूड चेन की बात करें, जैसे मान लो जैसे प्लैंकटन होते हैं, ठीक है, मतलब फाइटोप्लैंकटन है, फिर जू प्लैंकटन है, उनको खाने वाले जैसे यदि बात करें हम लोग तो जैसे फिशेस हैं, फिशेस को खाने वाली जो स्मॉल फिशेस को खाने वाली बिग फिशेस हैं, वैसे ही उनको फिर खाने वाले कोई और, तो इस तरह से ये ओवरऑल जो है ये पूरी चेन ये चलती रहती है। ठीक है, ये पूरी एक ओवरऑल चेन है और वाटर इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये वाटर इकोसिस्टम भी हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि तमाम जो ये सारे ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जितना ही बायोडायवर्सिटी किसी सिस्टम का होता है वो सिस्टम जो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो वाटर की यदि हम लोग बात करें तो इस तरह से मतलब जलमंडल जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन यदि हम लोग बात करें कि थर्ड जो पॉइंट है लिथोस्फीयर या बोल सकते हैं कि स्थलमंडल, तो स्थलमंडल की बात करें तो पृथ्वी की मतलब स्थलमंडल क्या है, पृथ्वी की जो है परत है, पृथ्वी की जो है एक परत जो 6 से 7 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, और जिसमें मेनली जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो मिनरल्स मतलब बेसिकली जो है देखा जाए यदि कंपोनेंट की, इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये डिफरेंट मिनरल्स से मिलकर बने हुए हैं, जिनमें यदि मेन हम लोग मिनरल्स की बात करें तो कौन कौन से मिनरल्स हैं, मतलब मोर देन 90 मिनरल्स हैं जिनमें से जो है यदि हम लोग बात करें लिथोस्फीयर की, तो इसमें जो है ये आप देखोगे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम जो है ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि लिथोस्फीयर में मेनली जो है पाए जाते हैं। यदि इनके परसेंटेज वाइज देखें हम लोग, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस हैं, ये ऑलरेडी जो है डिफरेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे पीएससी वगैरह में या फिर नेट के एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट जगह जो है पूछ चुका है। तो दोस्तों आप लोग इसको जो है बहुत ध्यान से इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। जैसे ऑक्सीजन की बात करें हम लोग, तो ये जो है कितना 47% अकेले पाया जाता है, सिलिकॉन जो है 28%, एल्यूमिनियम जो है 8%, आयरन 5% एंड जो सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम और पोटेशियम की बात करें तो ये 4% जो है ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे मिनरल्स जो है मेनली लिथोस्फीयर में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान से इसको चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है बायोस्फीयर, मतलब जैव मंडल। ये जैव मंडल क्या है, इस परत में बेसिकली जो है जीव पाए जाते हैं और ये जीव जो है पर्यावरण से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हैं। पर्यावरण में क्या है, बेसिकली एयर वाटर एंड सॉइल। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी जीव हो वो कहीं ना कहीं ये सारे जो फैक्टर्स हैं या बोल सकते हो कि जो एयर वाटर और सॉइल है उनसे कहीं उनमें ही कहीं ना कहीं वो रहेंगे, मतलब उनकी लाइफ कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से है। ठीक है, तो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तो ये तो बात हो गई कि मतलब बायोस्फीयर में जो है डिफरेंट ये मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ये इंटरेक्ट करते हैं किससे, डिफरेंट जो पर्यावरण के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एंड देन अब बात करें हम लोग कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है होता है वो मतलब वो कैसे बैलेंस रहता है। तो ये मेनली जो है प्लांट की वजह से बैलेंस रहता है। प्लांट जो है बेसिकली ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को जो है बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पूरा लेक्चर था ये बेसिकली जो है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पे बेस्ड था और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा लेक्चर आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में आपको जो है डिफरेंट जो भी लेक्चर्स हम प्रोवाइड करें उनको आप इजिली जो है सुन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प हो सके। दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों ने इतना पेशेंसफुली सुना उसके लिए थैंक यू सो मच।